हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए मेरी प्रिय छात्रों, हमने कल चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 फुल सॉल्व कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 में देखते हैं। देखिए क्या है, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, दी गई भिन्न के हर को वर्गमूल से मुक्त करने के लिए जिस अपरिमेय संख्या से भिन्न के अंश और हर को गुणा किया जाता है उसे भिन्न का परिमेयकरण गुणनखंड कहते हैं। यानी वही हर का परिमेयकरण हो जाए। जैसे मान लिया ये दिया है 1/1 इतना, तो हम क्या करेंगे इसका अपोजिट चिन्ह का, जैसे प्लस है तो माइनस का, और माइनस होता तो किसका करते प्लस का। 5+√6 और 5-√6 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे सूत्र क्या बन गया 5√6। तो 5-√6 और 5/25√6, तो ये हो गया 5-√6/25 में से 6 जाएगा 19। बस ये हो गया आपका परिमेयकरण, सिंपल है। यानी रूढ़ से मुक्त करना है किसी हर को। चलते हैं अब एक्सरसाइज में, सवाल देखते हैं बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से करना है, बड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मैंने पहले ही बोल दिया लेना नहीं है, केवल हमें लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करनी है ये देखना है। 3.2 है बेटा। देखिए पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही है, मान ज्ञात कीजिए 1/√ के अंदर 4-√ के अंदर 3, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इस हर को रूट से मुक्त करना है, तो 1+√ के अंदर जो वैल्यू दी है 4+√3/4-√3 है, ऐसे ही 4+√3, यानी माइनस था तो प्लस का ऊपर नीचे, यानी कंजुगेट। अब अपोजिट चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4+√3, ठीक है इतनी बात लिखती। ये बेटा क्या बन गया सूत्र, 4√2 - √3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4+√3 और 4 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, ये भी हट गया, आंसर आया 4+√3/1। एक का कोई मतलब नहीं है, नीचे हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व, एक का डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, क्लियर हो गया। यहाँ माइनस संख्या थी बेटा, इसलिए प्लस इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक ऊपर ऐसे ही रहेगा। ये सूत्र बन गया, एक में ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √4 - √3 3 क्या 1, ठीक है सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है आपसे। अब हम क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं। देखो वन अपॉन 3+2√2, तो क्या होगा 1 × 3 - √2/3+2√2 × 3 - √2। देखो कोई समस्या है ही नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये बनाएगा आपका 3 - √2/3। ये देखो फिर सूत्र बन गया वही a² - b² का, सरल है 3 - √2/3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4, और इस √2 का जब वर्ग करेंगे तो ये आंसर आया 3 - √2
बटे 9 में से 8 जाएगा 1, 1 का डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम ठीक है। इतनी सी बातें हैं, देखो आप समझ गए होंगे अब कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज सब ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ही नहीं कोई। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 1/ NCERT क्वेश्चन है, 7 - √6 कुछ नहीं है 1, √7 + √6 y, √7 - √6 √7 + √6 ठीक है। अरे माइनस था प्लस का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर हो गया √7 + √6 अपॉन वही √7 - √6 का वर्ग, तो √7 √6 बटे 7 - 6 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा केवल 1, और 1 का किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो 1 ही बचता है, वो 1 का किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो जो संख्या है वही रहेगी ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, 1/√5 + √2 देखो, 1 × √5 - √2 अपॉन √5 + √2 √5 - √2 √5 - √2 बटे ये बन जाएगा √5² और √2² तो √5 - √2 बटे √5 का 5, 2 का 2 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। ये डिवाइड कर नहीं सकते इसका ठीक। आगे फोर्थ हो गया, हम फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√7 - 2 6 वाला क्वेश्चन क्या है, 1/ ये अलग है, ये हम कराएंगे, ये आपको HW में करना है ठीक है। 6 वाला है देखो, 1/√7 हमने बोल दिया है ये रूट से मुक्त करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ प्लस माइनस तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये √7 है तो √7 का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे, तो ये बन गया √7 और √7 का √7 से 7 ये आंसर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया है आप लोगों से कि समस्या कुछ है ही नहीं, अब इसे हम बिठा देते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है, 1/8 + √2 तो क्या करना है, 8 - √2 बटे 8 + √2 ये प्लस का है माइनस चिन्ह का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, देखो ये ऐसी रहेगा 8 5√2 अपॉन ये सूत्र बन गया लाला 8² 5√2² तो 8 - 5√2 8 का 64 5 का 25 × 2 तो क्या बना 8 - 5√2 अपॉन 64/50 तो 8 - 5√2 ये 40, चाहो तो इसका आला आला डिवाइड कर दो, नहीं इतना ही छोड़ दीजिए बस। अब हम इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं कितनी आपको करने हैं, 8वां करना है और 9वां, 10वां हम सेम करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आपकी मर्जी करें या ना करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं, अब आपका कर्तव्य है करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है बच्चों, देख लेना क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे हैं,
किंतु हम सोच रहे हैं कि बच्चे भी कुछ ना कुछ सीखें, इसलिए हमने देखिए कल के न्यूज़ में मोदी जी ने फिर बोल दिया है कि लॉकडाउन फोर्थ स्टेज पर भी जा रहा है, यानी चौथे चरण में। अभी तीन चरण हो गए थे, तो 18 यानी 18 तारीख से पहले फिर लॉकडाउन बढ़ रहा है, ध्यान रखिए। इसलिए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो बेटा। लॉकडाउन तो लॉकडाउन, और कुछ कंडीशन न्यू होंगी, कैसे होगा आप तो वो ही जानते हैं। देखिए माइनस है तो प्लस का ऊपर गुणा किया है और नीचे भी। लॉकडाउन ने तो सबको लॉक कर दिया है बेटा, इसलिए आप पढ़ाई घर पर बैठे कर ही रहे हैं, कुछ हम लोगों को दे तो रहे नहीं हैं आप, जो भी आप फ्री में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप इस फ्री का क्यों नहीं फायदा उठाएं। ये हो गया रूट तीन का, रूट तीन से यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू इंटू रूट थ्री रूट टू बटे, ये बन गया रूट तीन का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। रूट तीन का तीन, दो का दो, दो तीन दूनी छः बटे तीन माइनस दो, तीन और दो कितना हो गया पाँच, प्लस दो रूट छः बटे एक, एक का किस संख्या में डिवाइड करेंगे तो ये संख्या यही रहेगी। हो गया बेटा, बता कोई समस्या ही नहीं है किसी बात की, मैंने पहले ही बोल दिया है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 10 हो गए क्वेश्चन, अब 11वां क्वेश्चन क्या लेके आए। सरल सी बात, इनका कहना है आपसे 4 माइनस रूट 5 एक्स का मान। अब ये पूछ रहे हैं एक्स प्लस वन अपोन एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमें दे रहा है बेटा, वन अपोन एक्स की वैल्यू नहीं दे रहा, तो वन अपोन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 बट्टे माइनस 5। अब इसका क्या करेंगे, वही 4 प्लस रूट 5 बटे 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5, तो क्या हो गया ये 4 प्लस रूट 5 बटे 4 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये बना 4 प्लस रूट 5, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, रूट रूट 15 था। देखिए यहाँ पर 15 है, कोई बात नहीं है, 15 हर एक जगह कर देते हैं, थोड़ा सरल सा हो जाएगा, और कुछ नहीं है, 15 है ये, 15 15। तो देखो क्या हो गया, 4 प्लस रूट 15 बटे 1, तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4 प्लस रूट 15। ये वैल्यू इसमें लगाते हैं, परमिकरण कर दिया, ठीक है। अब देखो वन अपॉन एक्स की वैल्यू आई हमारी 4 प्लस रूट 15, ये हमें पूछा है एक्स प्लस वन अपोन एक्स, तो एक्स की वैल्यू 4 माइनस रूट 15 और वन अपोन एक्स की वैल्यू 4 प्लस रूट 15, इससे ही कट गया, आंसर आ गया 8। बस ये था, कोई दिक्कत नहीं है, सरल से सवाल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 12वां, ठीक है। देखो इसमें लाला क्या लिखा है, x बराबर 2 प्लस रूट 3, और वही पूछा इसने एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले हम 1 अपॉन एक्स निकालें, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 1 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3, ये 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, चार में 3 क्या 1, ठीक है, 1 अपॉन एक्स। अब रख दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 2 प्लस रूट 3 का वर्ग,
और ये है आपका 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सूत्र खोलो, ए स्क्वायर वी स्क्वायर 2AB प्लस इसे 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2 गुणा, इससे ये कट गया बेटा, 2 दूनी 4 रूट 3 का 3, 2 दूनी 4 रूट 3 का 3 7 और 7 14। बताओ कोई दिक्कत? अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन आपको 13 से लेके कम से कम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 14-15 तक। वैसे क्वेश्चन 28 है, कल हम कराते हैं। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। ओके।